कुछ समय पहले ही कॉमेडी फिल्म टोटल धमाल रिलीज हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। यही वजह है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई कर रही है। बता दें कि अच्छी कमाई करते हुए टोटल धमाल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 117 करोड़ 77 लाख रुपए हो गया है। अपनी फिल्म की 100 करोड़ के क्लब में एंट्री लेने से फिल्म की पूरी स्टार कास्ट बहुत ज्यादा खुश है। बता दें कि फिल्म का ज्यादातर बिजनेस बड़े मल्टीप्लेक्स से बाहर का है। टोटल धमाल 22 फरवरी को रिलीज हुई थी और धमाल फिल्म सीरीज का तीसरा सीक्वल है। इससे पहले ही दोनों फिल्मों भी दर्शकों द्वारा खूब पसंद की गई थी। बात करें फिल्म की कमाई की तो ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक सेकेंड फ्राइडे को 4 करोड़ 75 लाख रुपए और शनिवार को 7 करोड़ 2 लाख रुपए और संडे को 11 करोड़ 45 लाख रुपए का कलेक्शन किया। इस हिसाब से सेकेंड वीकेंड में इस फिल्म ने 117 करोड़ 77 लाख रुपए का बिजनेस किया। यह भी बता दी कि फिल्म रिलीज के पहले हफ्ते में 94 करोड़ 55 लाख रुपए कमाई कर चुकी थी। इस फिल्म में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख समेत कई कॉमेडी एक्टर्स फिल्म में नजर आए थे। लंबे समय के बाद अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए थे, जिस वजह से दर्शक फिल्म को और भी पसंद कर रहे हैं। बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए रितेश देशमुख, अर्शद वारसी और जावेद जाफरी हैं, जो पहले के भाग में भी रहे थे, और साथ में जॉनी लीवर, संजय मिश्रा, बोमन ईरानी भी नजर आए।